चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में बीजेपी के दिग्गज नरोत्तम मिश्रा भी प्रत्याशी के प्रचार में पसीना बहा रहे हैं। रेगांव बीजेपी के लिए उन्होंने सभाओं को संबोधित किया। पूरे चुनाव को लेकर वंसलियों संवाददाता सूरज शर्मा ने गृह मंत्री से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में चार सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज चुनाव प्रचार पर निकले हैं, उनसे बात करेंगे। सर, चार सीटों पर चुनाव को किस तरीके से देखते हैं आप? अच्छा वातावरण है, अच्छा माहौल, और मेरी मान्यता है कि जिस तरह का वातावरण है उससे भाजपा को लाभ मिले। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है, कितना महत्वपूर्ण इन चार चुनावों को आप मानते हैं? क्या सेमीफाइनल मैच की तरह बीजेपी के खिलाड़ी खेल खेल रहे हैं? 2023 में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से आई, कांग्रेस लगभग डूबता जहाज है। कांग्रेस में कांग्रेस के विधायक ही नहीं रहना चाहते, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत। कमलनाथ कह रहे हैं, हर चुनावी सभा में कहते हैं कि बीजेपी अपने 17 साल के शासनकाल को गिना है, मैं अपने 15 साल के शासनकाल को गिना रहा हूं। प्रदेश में बिजली की कमी है, खाद का संकट है, बीजेपी किस मुंह से जनता के बीच जाएगी? ये 15 साल 15 महीने का हिसाब है क्या? हमसे 15 साल का हिसाब मांग रहे हो कमलनाथ जी? हमारा जो हिसाब है क्लियर है, जनता मोहर लगाती है। हमारे यहाँ दो लोगों को जनार्दन कहा जाता है, एक भगवान से जनार्दन कहते हैं, एक जनता को जनार्दन कहा जाता है। जो जनता हमें 15 साल से जिता रही है वो हमारे काम पे मोहर लगा रही है। कमलनाथ जी, आप अपने विधायकों का हिसाब ठीक रखो। पिछले 27 महीने में 27 विधायक जा चुके हैं आप, अपना घर देखो। इस दीवार पालो, वरना अगली बरसात में ये दीवार भी ढह जाएगी। आपके पास जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, लोग हैं, तो क्या वजह है कि आप कांग्रेस में सेंध लगाते हैं, लगातार विधायकों को लेकर आ रहे हैं? हम लेके नहीं आ रहे हैं, कमलनाथ जी के नेतृत्व में किसी को विश्वास नहीं रहा। कमलनाथ जी का कार्य और व्यवहार कारपोरेट कल्चर की तरह होता है। हमने उनको मुख्यमंत्री के रूप में भी देखा और नेता प्रतिपक्ष के एक व्यवसायी की तरह व्यवहार करते हैं, जो अच्छा नहीं। आपको लेकर भी अटकलें लगाई जाती हैं कि सरकार से आप नाराज चल रहे हैं, पूरा चुनाव प्रचार खत्म हो गया, चुनाव में नहीं गए, हमेशा ये आरोप लगा कि नरोत्तम मिश्रा सरकार से नाराज हैं। मैं आपके सामने चुनाव में ही हूँ और लगातार जो चुनाव प्रबंधन समिति ने काम दिया है वो काम करता हूँ। आपके पास उम्मीदवारों की बात करें तो खंडवा में आपके पास उम्मीदवार थे, अर्चना चिटनिस थी, हर सिंह चौहान थे, रहगांव से पुष्पराज बागड़ी के बेटे थे, शिशुपाल यादव की जगह और दूसरे यादव थे, जौबट से थी, क्या वजह रही कि कांग्रेस से लेकर आप प्रत्याशी आए हैं? क्या कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही क्या? ये राजनीति में ऐसा नहीं है, हमारा जो खंडवा में टिकट दिया उन्होंने टिकट मांगा था, रेगांव में दिया उन्होंने टिकट मांगा था, वहाँ पर जो दिया है पृथ्वीपुर में उसने भी टिकट मांगा था, सिर्फ एक जगह ऐसा है। कमलनाथ ने अरुण यादव को टिकट नहीं दिया, वो नाराज है, कई मंचों पे ये भी कह चुके हैं कि मैं फसल बोता हूँ, काटता कोई और है। बीजेपी में कहीं ना कहीं कुछ नेता ऐसे रहे हैं जो नाराज हैं, हालांकि वो कह नहीं पाए, मना लिया आपने। नहीं, अरुण यादव जी के साथ अन्याय हुआ मैं मानता हूँ, उनको अध्यक्ष से हटा के कमलनाथ जी अध्यक्ष बन गए। दिग्विजय सिंह जी ने उनके पिताजी को कभी हाइट नहीं लेने दी, मुख्यमंत्री के दावेदार थे। ये एससी की भी उपेक्षा करते हैं, पिछड़ों की भी उपेक्षा करते हैं, और अरुण यादव जी को भी लगातार इस तरह से वो टिकट काट रहे हैं, जो गलत है। सचिन पायलट कल खंडवा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी अब मैदान में आ गए हैं, क्या कहेंगे? दिग्विजय सिंह जी जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ भाजपा जीतेगी। अभी वो खंडवा में गए हैं, आप परिणाम देखना, भाजपा जीतेगी। दिग्विजय सिंह बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं?
काम तो नहीं कर रहे हैं, पर वो जो करते हैं उससे काम बीजेपी का होता है। चार सीटों पर उपचुनाव है, क्या रणनीति रहेगी कि बीजेपी को समर्थन मिले? भाजपा जीतेगी। ऐसे कौन से काम गिनाएंगे जनता को जिसमें फिर से एक बार जनता का आशीर्वाद मिले? विकास के काम, मोदी जी का, शिवराज जी का नेतृत्व और दोनों नेतृत्व हमारा आलीशान। कांग्रेस के पास में देखो राहुल बाबा है और कमलनाथ जी है, अब तुलना कर लो दोनों नेतृत्व, कहाँ राम राम का टटे। बिल्कुल बेबाक जवाब देने वाले नरोत्तम मिश्रा साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने काम किया है, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम ने काम किया है, वही वजह है कि एक बार फिर से जनता जनार्दन का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा। रैगांव से विजय सेजकर के साथ सूरज शर्मा बंसल।